नमस्कार, मैं प्रियंका चौहान, न्यूरोलॉजी एंड स्लीप सेंटर से। आज हम बात करने जा रहे हैं सिर दर्द के बारे में। सिर दर्द आज के समय में एक आम समस्या है जिसका सामना प्रतिदिन के लोग कर रहे हैं। कुछ सिर दर्द अस्थायी होते हैं जो एक समय के बाद चले जाते हैं, पर कुछ सिर दर्द गंभीर होते हैं जिसके लिए हमें एक विशेषज्ञ इलाज की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि सिर दर्द क्या है, सिर दर्द क्यों होता है, सिर दर्द कितने प्रकार के होते हैं, सिर दर्द का इलाज क्या है, या सिर दर्द के लिए हमें डॉक्टर से कब मिलना चाहिए, क्या सिर दर्द हमारे जीवन शैली को प्रभावित करती है। सिर दर्द क्या है? सिर दर्द सिर के किसी भी हिस्से में होने वाले दर्द को कहते हैं। ये सिर के दोनों तरफ हो सकते हैं या सिर के किसी बिंदु से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे सर में फैल सकते हैं। अगर बात करें, ये दर्द सनसनी पैदा करने वाले हल्के या तेज दर्द के रूप में शुरू होकर अचानक उत्पन्न हो सकते हैं या एक घंटे या कुछ दिन तक रह सकते हैं। सिर दर्द के प्रकार। सिर दर्द कई प्रकार के होते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे तनाव से होने वाले सिर दर्द के बारे में। तनाव से होने वाला सिर दर्द एक आम सिर दर्द है जिसमें व्यक्ति अपने सिर के दोनों तरफ बहुत तेज दर्द को महसूस करता है, जैसे कि व्यक्ति के सर को किसी तेज रबड़ बैंड ने दबा रखा हो। अगर हम इसके लक्षण के बारे में बात करें तो इसके लक्षण होते हैं कि आपके कंधे में, गर्दन में, सर में एक कसावट सा महसूस होना, सोने में परेशानी, गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द महसूस होना। माइग्रेन से होने वाला सिर दर्द सिर के सिर्फ एक ही हिस्से में होता है। इसमें मरीज के सिर में कुछ चुभने जैसा महसूस होता है। माइग्रेन को कुछ चीज़ों से ट्रिगर किया जा सकता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा या बहुत कम सोना, हार्मोनल बदलाव या शोर या तनाव करना। इसके लक्षण हो सकते हैं रोशनी से परेशानी होना, उल्टी जैसा महसूस होना, सिर के सिर्फ एक ही हिस्से में दर्द महसूस होना। साइनस सिर दर्द। साइनस सिर दर्द सिर के आगे की तरफ होता है या चेहरे पर महसूस होता है। इस तरह का सिर दर्द तब और बढ़ जाता है जब आँखों, गाल, नाक या सिर पर साइनस क्रेविटी हो। इस तरह का दर्द और तीव्र हो जाता है जब सुबह उठने के बाद इंसान आगे की तरफ झुकता है। इसके लक्षण हैं नाक बंद होना, नाक बहना, कफ होना या चेहरे पर एक दबाव महसूस होना। बहुत प्रभावित करती है सिर दर्द की समस्या के कारण हमें नींद की समस्या हो सकती है या चिड़चिड़ापन हो सकता है, हमारे पेशेवर काम को प्रभावित कर सकती है। कहीं ना कहीं सिर दर्द की समस्या हमारी जीवन शैली को बहुत प्रभावित करती है। कब मिलना चाहिए? सिर दर्द की समस्या के लिए हमें डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ सिर दर्द गंभीर होते हैं जिसके लिए हमें एक विशेषज्ञ इलाज की आवश्यकता होती है। अगर आप एक लंबे समय से सिर दर्द की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर बहुत तेज सिर दर्द के साथ बुखार और उल्टी हो, आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर आपको सिर दर्द के साथ बोलने में, देखने में या चलने में समस्या हो या किसी भी तरीके की याददाश्त कमज़ोर होने जैसी समस्या हो तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ब्रेन हेमरेज की समस्या के लिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ट्यूमर के लिए, अगर ट्यूमर जैसी किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं आप, तो आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको सिर दर्द की समस्याओं का पता लगाने में मदद मिली होगी। धन्यवाद।